हाँ तो चलो ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। ठीक है बेटा, तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था, तो लेट मी रिवाइज यू अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे आर लार्ज इन नंबर। गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, ठीक है। यानी अगर आप 1 मोल ऑफ गैस भी कंसिडर करोगे तो उसके अंदर 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मतलब कि अगर कोई भी गैस कंसिडर किया जाए तो उस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। वो गैस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि गैस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो। गैस के अंदर जो सो गैस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है ना, वो कौन सी एनर्जी होती है फिर? एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज प्योरली काइनेटिक। एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज काइनेटिक, यानी मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स के पास खाली काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द सेकंड पॉइंट्स। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर, तो ये थर्ड पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट प्रेशर एक ऑन ईच अदर, खुद एक दूसरे पे, एंड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, और किस पे? कंटेनर के वॉल्स पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर इनसाइड द गैस इज नॉन जीरो, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो जरूरी है कि एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर वगैरह एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। एक तो वो एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, और दूसरा वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किस पे? शाबाश, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, कंटेनर के वॉल्स पर, ठीक। तीसरी एक बात कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे मूव रैपिडली एंड रैंडमली, ठीक है। दे मूव रैपिडली, रैपिडली एंड रैंडमली, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं रैपिडली और रैंडमली, ठीक है। मतलब वो रेस्ट पे नहीं हुए होते, ठीक है। उनकी जो मोशन होती है ना, वो बिल्कुल रैंडम होती है। सपोज यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल कंसिडर करो, इट मे मूव टू दिस साइड, नाउ इट मे मूव टू दिस साइड, इट मे मूव टू दिस साइड, इट मे मूव टू दिस साइड, देन अगेन टू दिस साइड, देन अगेन टू दिस साइड, या देन अगेन टू दिस साइड, ठीक है। यानी मोशन जो होती है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है, कि गैस मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। मीन्स ये कि प्रोबेबिलिटी फॉर द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल, ठीक है। देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट मॉलिक्यूल मे मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, इट डजंट चेंज, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी इज सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। मीन्स देर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन फॉर द गैस मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट कैन मूव इन एनी रैपिड एंड रैंडम डायरेक्शन, ये किसी भी रैपिड और रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना, दे आर इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। देर इज वन मोर पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एक और पॉस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, वो ये कि गैस मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो वो गैस मॉलिक्यूल जैसे मूव करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल जैसे मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोल्यूजन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कोल्यूजन्स होते हैं, दे आर प्योरली इलास्टिक, दे आर प्योरली इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब है? इलास्टिक का दो मतलब है। एक तो ये कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो कमजोर रहता है, ठीक है, मोमेंटम कमजोर रहता है, ठीक है। वैसे भी दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं
जिसमें मोमेंटम कंजर्व ना होता हो, ठीक है। एवरी प्रोसेस, हर किसी प्रोसेस के अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये तो कॉमन सेंस है, एज्यूम्ड थिंग है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, वो कंजर्व रहती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको ट्रीट कर सकते हो एज इलास्टिक बॉल्स, इलास्टिक बॉल्स, या यू कैन से देम एज हार्ड स्फीयर्स। आप गैस मॉलिक्यूल्स को ट्रीट कर सकते हो छोटे छोटे हार्ड बॉल्स की तरह, वो जो होते हैं ना वो क्रेजी बॉल्स, उनकी तरह आप उनको ट्रीट कर सकते हो। मतलब यू कैन थिंक कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्रेजी बॉल्स की तरह होते हैं, ठीक है, इलास्टिक बॉल्स की तरह होते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोल्यूजन ना तो उनका मोमेंटम जो है, वो मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, और दूसरी बात सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी टोटली क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ सक्सेसिव टाइम इंटरवल बिटवीन द कोल्यूजन्स। कोल्यूजन्स के बीच में एक टाइम इंटरवल रहता है, एक टाइम गैप रहता है। मान ले यहां पर कोई गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल नंबर वन, यहां पर इस, ये इस तरह से मूव कर गया, और यहां पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, इसने इसके साथ कोलाइड किया। जैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड हुआ, अब ये क्या हो जाएगा, किसी और डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। सपोज ये मूव करेगा इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है एक तीसरा पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है, इसने पहले, ये वाला पार्टिकल, इसने पहले कोलाइड किया दूसरे के साथ, फिर कोलाइड किया एक और पार्टिकल के साथ। दो कोल्यूजन्स के बीच में जो टाइम है, टाइम बिटवीन टू कोल्यूजन, जो दो कोल्यूजन्स के बीच में टाइम है, टाइम बिटवीन टू कोल्यूजन्स, दो कोल्यूजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है कि नहीं, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू कोल्यूजन्स, ठीक है। मतलब ये वो टाइम है जो दो कोल्यूजन्स के बीच में होता है। मॉलिक्यूल क्या करता है, जब उसने एक कोल्यूजन किया तो उसके कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, थोड़ा देर रेस्ट मतलब लेता है, फ्री मोशन करता है, और उसके बाद क्या करता है, दूसरा कोल्यूजन कर लेता है, ठीक है। तो इतने में, इस टाइम में जो वो पाथ, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ, सिंपल, फ्री पाथ, ठीक है। तो फ्री पाथ क्या होता है, सिंपल में, कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इस रिलैक्सेशन टाइम के अंदर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शाबाश मॉलिक्यूल फॉर द रिलैक्सेशन टाइम, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम, इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ, ठीक है कि नहीं। और ये बात हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, शाबाश, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, तो व्हाट हैपेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब वो तेज तेज मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करने का मतलब है कोल्यूजन ज्यादा होंगे, और जब कोल्यूजन ज्यादा होंगे, इस पार्टिकल को, इन गैस मॉलिक्यूल्स को टाइम नहीं मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर द रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, ठीक है कि नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टूड कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अंडरस्टैंड करना है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोल्यूजन ज्यादा होंगे, जब कोल्यूजन ज्यादा होंगे, दीज गैस मॉलिक्यूल विल नॉट गेट एनफ टाइम, इनको टाइम नहीं मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, यानी मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो गया, ठीक है। ये जो थे ना, दीज वेर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड समथिंग विच वी कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि हमने कहा गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर होते हैं, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स को जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी ऑलवेज टेक एवरेजेस। तो शाबाश, कौन कौन सा एवरेज हमने लिया था, पहले वी आर डूइंग द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर दिस टॉपिक। सो हमने कुछ वेलोसिटीज को डिफाइन किया था, तो मैंने कुछ वेलोसिटीज कही थी। पहली वेलोसिटी जो हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, या इसको कहेंगे मीन वेलोसिटी ऑफ गैस, गैस की जो मीन वेलोसिटी है वो कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि जितने भी पार्टिकल, जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर है, सब की वेलोसिटी हम लेंगे। V1 इज द वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, V2 इज वेलोसिटी फॉर सेकंड, V3 इज वेलोसिटी फॉर थर्ड, V4 इज वेलोसिटी फॉर फिफ्थ, फोर्थ, इसी तरह से आप इनको ऐड करते जाओगे। जितने भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सब की वेलोसिटी को नोट करोगे, ठीक है, एंड यू विल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, ठीक है कि नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी, या इसको कहेंगे मीन वेलोसिटी, अर्थमेटिक मीन। सिंपल में, अगर सिंपल में कहा जाए तो व्हाट इज मीन वेलोसिटी,
इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल वेलोसिटीज, सारी वेलोसिटीज का अर्थमेटिक मीन. नाउ यू विल से मी कि इज इट पॉसिबल टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल वन बाय वन, पहले मॉलिक्यूल की मेजर करना, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल की, उसके बाद तीसरे की, उसके बाद चौथे की. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक एक करके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ना, देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, विल डिस्कस इट लेटर ऑन. लेकिन फिलहाल आप उसमें याद रखो कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मैक्सवेल. ठीक है, तो इन्होंने इस एवरेज के लिए फॉर्मूला निकाल के रखी थी. और वो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या दी थी उन्होंने, उन्होंने एवरेज के लिए फॉर्मूला दी अंडर रूट ऑफ 8kT/πm. ये उन्होंने फॉर्मूला दी थी. मतलब उनका कहना था आप एक एक करके वेलोसिटीज को मेजर मत करो, बल्कि क्या करो, इस फॉर्मूला को यूज करो, यू विल गेट व्हाट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस. ठीक है कि नहीं. नाउ देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन दिस रिलेशन. वन ऑफ द थिंग इज विच इज कॉल्ड एज टी, टी इज द टेम्परेचर. टी इज व्हाट, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. ठीक है कि नहीं, है ना. और यहाँ पे जो पाई है, पाई तो कॉन्स्टेंट है, यू ऑल नो. नाउ के जो है, के इज कॉल्ड एज बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट. के इज कॉल्ड एज बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट. और इसका जो वैल्यू है दैट इज 1.38 × 10⁻²³ जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, पर मॉलिक्यूल पर केल्विन. ठीक है कि नहीं, है ना. ये जो है हमारे बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट का वैल्यू आता है. ठीक है, अब ये जो एम है ना, एम, एम डज नॉट मीन द मास. एम डज नॉट मीन सिंपली मास. एम का मतलब नहीं होता है मास. एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट. जिस गैस की आप बात कर रहे हो, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर मतलब आप इसको बोल सकते हो कि जो गैस का टोटल मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइड करना है आप उसको एवोगैड्रो नंबर से. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, या डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है कि नहीं. और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है, आप लिख सकते हो इसको, मॉलिक्यूलर वेट को लिख सकते हो कैपिटल एम से, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर को लिख सकते हो एन ए से. ठीक है कि नहीं. एंड यू नो व्हाट इज एन ए, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर. इट इज 6.022 × 10⁻², रफली. ठीक है, इज दैट क्लियर. तो आपको क्या करना है, किसी भी गैस की एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर इट्स टेम्परेचर. आपको टेम्परेचर ऑफ द गैस नोट करना है. ठीक है, दूसरी बात आपको नोट करना है क्या, शाबाश, दिस एम, एम इज व्हाट वी कॉल एज मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, वी कैन डू सिंपली एन एग्जाम्पल ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. एंड इफ वी कंसिडर से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एट एन टी पी, लेट मी शो यू रफली. इफ वी कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑक्सीजन गैस, लेट मी सी, ऑक्सीजन गैस, ओ टू गैस, बट लेट अस टेक इट एज एन टी पी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो वट विल हैपन, एवरेज वेलोसिटी विल बी सिंपली इक्वल टू रूट ऑफ दिस फॉर्मूला 8kT/πm, राइट. सो वी कैन से इट इज रूट ऑफ 8, के इज सिंपली वॉट वी हैव डन 1.38 × 10⁻². T is the temperature. We are discussing it at normal temperature. So I will say it is 273 Kelvin. Divided by pi, that is 3.14. And what about M? M ko kaise nikalenge? M is simply molar weight by Avogadro number. Molar weight kya hoga? Oxygen ke ek atom ka molar weight hota hai 16 grams, 16 AMU. To ye to O2 hai. Do ka kitna hoga? 32. ठीक है कि नहीं, ग्राम्स. हम इसको केजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन राइट 32 × 10⁻¹ डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻². तो टेक दिस वैल्यू ऑफ एम एंड पुट इट हियर. तो 32 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻², विच मीन्स दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस ऑन कैलकुलेटिंग 424.7 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो हमें यहां पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल मिल जाती है इस तरह से, राइट. नाउ मूविंग टू सेकेंड टाइप ऑफ वेलोसिटी, ठीक, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड